ये है गुड़गांव के एक टॉप स्कूल अल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल की बिल्डिंग। लग रहा है ना एक टिपिकल सा कॉन्वेंट स्कूल। इनफैक्ट आज इसकी पैन इंडिया लेवल पर 15 ब्रांचेस है विद 2000 स्टूडेंट्स, 3D प्रिंटिंग लैब, रोबोटिक्स एंड व्हाट नॉट। बट Alpine Convent School is actually not a convent school. इस स्कूल को तो गुड़गांव के कपल ने 1996 में 15 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट किया था, कोई फादर या नंस के साथ नहीं। एंड जब इनके फाउंडर्स से इसके बारे में बात की गई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने मसूरी के कॉन्वेंट स्कूल्स को स्टडी किया, जिससे उनको ये समझा कि इंडिया में पेरेंट्स आग बंद करके कॉन्वेंट स्कूल्स पर ट्रस्ट करते हैं, एंड हेंस उन्होंने अपने स्कूल का स्ट्रक्चर इंटेंशनली कॉन्वेंट जैसा बनाया। अब इसको बिजनेस माइंड बोले या अपॉर्चुनिस्ट, आई रियली डोंट नो, बट सच इज द मार्केटेबिलिटी ऑफ कॉन्वेंट स्कूल्स। इन फैक्ट सेंट मेरी, सेंट पॉल, सेंट फ्रांसिस, सेंट जॉन, डॉन बॉस्को, यहाँ तक कि फेमस बॉलीवुड मूवीज में भी सेंट जेवियर, सेंट टेरेसा, ये सारे कॉन्वेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंडिया में कितने ज्यादा पॉपुलर है। सो टू स्टार्ट विद, आखिर क्यों इंडियंस कॉन्वेंट स्कूल से इतना ऑब्सेस्ड है? वेल, इसका सिंपल वन वर्ड आंसर है, कॉन्वेंट्स की सेंचुरीज ओल्ड एंड वेल मेंटेन क्रेडिबिलिटी। सो बेसिकली अर्ली मिडिल एज पीरियड से ही वेस्ट का सेंटर ऑफ एजुकेशन था रोमन कैथोलिक चर्चेस। मतलब जहां पर भी एजुकेशन की बात आती थी वहां पे क्रिश्चियन मंक्स, प्रीस्ट ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाते थे। अब देखते ही देखते यही रोमन कैथोलिक चर्चेस दुनिया भर में सिर्फ अपने प्रीस्ट और अपने कैथोलिक चैरिटी के बल पर जगह जगह अपने स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने लग गए। एंड आज सिचुएशन ऐसी है कि कैथोलिक चर्चेस एजुकेशन फील्ड में दुनिया के सबसे बड़े नॉन गवर्नमेंटल प्रोवाइडर्स भी बन चुके हैं, विद 1.3 बिलियन बैप्टाइज कैथोलिक्स वर्किंग वर्ल्ड वाइड। नाउ यूजुअली इन कैथोलिक चर्चेस से एसोसिएटेड होते हैं अलग अलग कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशंस, वन ऑफ देम बीइंग जेसुइट्स। जेसुइट्स यानी कि द सोसाइटी ऑफ जीसस। जेसुइट्स वो लोग थे जो सबसे पहले इंडिया में कॉन्वेंट एजुकेशन लेकर आए थे बैक इन द 16th सेंचुरी बाय सेटिंग अप द फेमस सेंट जेवियर्स इन गोवा। अब सोच तो उनकी अच्छी थी, बट फॉर सम रीजन जेसुइट्स की जो रीच थी इंडिया में वो काफी लिमिटेड थी, अनटिल द ब्रिटिशर्स केम एंड चेंज द गेम। अब ब्रिटिशर्स को इंडिया में आते ही इतना तो रियलाइज हो गया था कि इंडियंस उनके लिए कम पैसे में काम करने वाले लॉयल एम्प्लॉयज बन सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम थी, इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी। सो अपने प्रॉफिट के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, विद ऑफ कोर्स द हेल्प ऑफ द पायनियर्स इन एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरीज, मेनली जेसुइट्स। एंड ये बन गया द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब इसे किक स्टार्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स लेकर आए चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के थ्रू एजुकेशनल फंडिंग के साथ साथ मिशनरीज को ऑफिशियल परमिशन भी मिल गई टू कम एंड सेट अप कॉन्वेंट स्कूल्स इन इंडिया। सो बेसिकली इससे ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली मिशनरीज को इंसेंटिवाइज किया टू कम टू इंडिया। इसके अलावा 1854 का वुड्स डिस्पैच, ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, मैकॉलीज एजुकेशन एक्सेट्रा, इन सब के भी रिकमेंडेशन पे बनी पॉलिसीज टू प्रमोट मिशनरी एजुकेशन इन इंडिया। अब इस पूरे एजुकेशन के पीछे ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का खुद का सेल्फिश मोटिव तो था ही, बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडियंस को खुद भी ये लगता था कि एजुकेशन उन्हें खुद की एम्प्लॉयबिलिटी और स्टैचर दोनों को इम्प्रूव कर देगा। वेल, शायद उनको ये उम्मीद थी कि एक बार वो एक इंग्लिशमैन की तरह बोलना सीख ले, देन मे बी दे कैन स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद ब्रिटिशर्स। एंड देयरफॉर विद दैट थॉट इन माइंड स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। बिकॉज इसके बाद से लेकर आज तक, एज वी ऑल नो, इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की वैल्यू कितनी ज्यादा है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज का कॉन्वेंट स्कूल्स एंड इन जनरल क्रिश्चियन रिलीजन से क्या कनेक्शन है, ये भी सब जानते ही है। इसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है ये मैप, जहाँ पर ये वो सारे एरियाज है जहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स ज्यादा है, एंड यही वो एरियाज है जहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन रिलीजन की है। अब इंडिया में एजुकेशन तो ओवरऑल आ चुका था, लेकिन फाइनेंशियली केपेबल होने के लिए इंडियंस को हल्का सा टाइम लग गया। जैसे ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अभी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है, उनका ये मानना होता है कि शेयर मार्केट शायद एक लक का खेल है, या फिर किसी और के कहने पर अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने से अगर कहीं पे लॉस हो गया तो। सो वेल, अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो, एंड आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है जो आपको सही अपॉर्चुनिटीज के बारे में एनालाइज करके बताए, एंड साथ ही डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हल्का सा कम रिस्की हो, देन मोतीलाल ओसवाल इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। जो ना सिर्फ आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट के साथ एक साल के लिए 0 AMC देता है, बट उसके साथ ही देता है एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर भी, जो ना सिर्फ आपके क्वेरीज को सॉल्व करेगा बट आपको इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करेगा। सो अब लॉस का टेंशन ही क्यों लेने का। एंड सिर्फ मोतीलाल ओसवाल आपको प्रोवाइड करता है अ ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ जस्ट ₹20 पर लॉट। मोतीलाल ओसवाल के पास 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मोर देन 50 लाख लोगों का भरोसा है, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा रियल टाइम नोटिफिकेशन के साथ स्टॉक रिकमेंडेशंस भी। मोतीलाल पे एक स्मार्ट एंड इजी टू यूज ऐप के साथ आपको एक बास्केट फीचर भी मिलता है जो बेसिकली AI बेस्ड टूल पे चलता है, एंड इसमें आपको ब्रोकरेज रिवर्सल टूल भी मिलते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करो एंड ओपन करो अपना फ्री डीमैट अकाउंट एंड शुरू करो अपना स्मार्ट येट कॉशियस इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया टू फुलफिल द कम्युनिकेशन गैप फॉर देयर ओन बेनिफिट। सो इससे क्या समझे,
करेक्ट, इंडिया के सारे रिलीजियंस में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग क्रिश्चियंस ही होते हैं, विद मोर देन 15% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीकिंग गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। एंड रिजल्टिंगली इंडिया में ये नोशन होना कि अगर हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ेंगे तो उनकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, आई थिंक इज क्वाइट जस्टिफाइड। बट देयर इज मोर टू कॉन्वेंट देन जस्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा कि कॉन्वेंट स्कूल्स के जो फादर्स एंड सिस्टर्स होते हैं वो यूजुअली बच्चों से तो कितना पोलाइटली डील करते हैं, बट जब बात इनडिसिप्लिन की होती है तब वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। एंड इसी पोलाइट एंड स्ट्रिक्ट बैलेंस वैल्यू सिस्टम की वजह से कॉन्वेंट्स आज भी पेरेंट्स की प्रेफर्ड चॉइस है। अपेरेंटली कॉन्वेंट स्कूल्स आर प्रीटी कमिटेड टू देयर वैल्यू सिस्टम्स। सो टू कंपेयर, हमने एक तरफ रखा कॉन्वेंट स्कूल्स का करिकुलम और दूसरी तरफ रखा प्राइवेट स्कूल्स का करिकुलम। वेल, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू वॉज अ डेडिकेटेड पीरियड फॉर वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मॉरल साइंस, जो अपेरेंटली कॉन्वेंट्स में तो मैंडेटरी होता है बट प्राइवेट स्कूल्स में नॉट सो मच। इनफैक्ट सिर्फ करिकुलम ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी मॉरल साइंस क्लासेस डू नॉट स्टॉप। नॉट मेनी नो कि ये जो हाउस सिस्टम हमारे स्कूल में होता था, जैसे कि ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट, ये सारे जो हाउसेस होते थे, वो भी एक कॉन्वेंट इन्वेंशन ही था टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ टीम वर्क। इसके अलावा गोइंग बैक टू हिस्ट्री, तो एक और चीज है जिसने कॉन्वेंट्स को शुरू से ही काफी यूनिक बना दिया, एंड दैट इज देयर जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन। वेल, इट इज सेड कि इंडिया में मिशनरीज पहले ऐसे लोग थे या फिर अमंग्स द फर्स्ट फ्यू थे जिन्होंने वुमेन एजुकेशन को बराबर दर्जा दिया एंड ओपन द फर्स्ट एवर गर्ल्स स्कूल एट Kottayam back in 1890. Now, apart from all of this, अगर हम purely education quality की बात करें तो वो भी over the centuries maintain रही है। In fact, convents और private schools के तो passing percentages में भी 5-7% का difference है। Convents में passing percentage ही 40% होता है, which is 7% higher than the usual 33%. But of course, if यही वो reasons नहीं है behind the popularity of convents, and if you look at it, तो इस trend के पीछे कहीं ना कहीं western influence का भी involvement हो सकता है। चलो, बस guess करो कि convents का सबसे बड़ा network कौन सी country में है? Well, USA में कॉन्वेंट स्कूल्स इतने पॉपुलर है कि USA के 65% बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स या फिर कॉलेजेस से ही पढ़ते हैं। नाउ कंसीडरिंग हाउ क्विकली US का इन्फ्लुएंस हम तक आ जाता है, बी इट फैशन, मूवीज और म्यूजिक, तो ऐसे में US में अगर कॉन्वेंट्स का क्रेज आ जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मे बी, जस्ट मे बी, इस फैक्ट ने भी इंडियंस के माइंडसेट को सालों साल इन्फ्लुएंस किया हो इन बेसिकली क्रिएटिंग अ लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्वेंट एजुकेशन। अब ऑनेस्टली इन चीजों पे हमारे पास कोई डेटा या प्रूफ तो नहीं है, सो ऑब्वियसली इट्स ओपन फॉर अ डिबेट। बट टू पुट इंडियाज पिक्चर इन परस्पेक्टिव, इंडिया में सिर्फ 5,409.37 कॉन्वेंट स्कूल्स है, लेकिन वही दूसरी तरफ नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स अराउंड 3 लाख है। सो देयर बेसिकली इज अ डिफरेंस ऑफ 2.5 लाख। अब बस सोचो कि एक ऐसे देश में जहाँ की जनता कॉन्वेंट स्कूल्स के काफी ज्यादा फैसिनेटेड है, अगर ऐसे में जब ऑथेंटिक कॉन्वेंट्स ही हैंडफुल होंगे तो ऑब्वियसली एक डिमांड सप्लाई का डिसइक्विलिब्रियम तो क्रिएट हो ही जाएगा। विच टेक्स अस टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हम एज इंडियंस रियल और प्रिटेंशियस कॉन्वेंट स्कूल्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर पाए। अब इसका आंसर देने के लिए हु बेटर देन द सेक्रेटरी ऑफ जेसुइट्स एजुकेशन एसोसिएशन, फादर सनी जेकब। सो फादर जेकब के हिसाब से पेरेंट्स को दो चीजें इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। नंबर वन, कॉन्वेंट्स की एजुकेशन मेथोडोलॉजी कॉल्ड इग्निशन पेडागॉजिकल पैराडाइम, जो बेसिकली कॉन्वेंट्स के वैल्यू सिस्टम को लर्निंग प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट करता है। सो बेसिकली पेरेंट्स खुद इसके बारे में स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एंड नंबर टू, लोगो, जो बेसिकली उस स्कूल की एफिलिएशन प्रूव करता है टू अ कैथोलिक एसोसिएशन लाइक JEA या JNM वगैरह, विच बेसिकली मीन्स कि इनका कोई एक स्टैंडर्ड लोगो तो नहीं होता है, बट पॉइंट टू नोटिस कि जनरली फेक कॉन्वेंट्स में लोगो ही मिसिंग होता है या फिर उनका कैथोलिक एसोसिएशन का कोई भी सिंबल नहीं होता। बट हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स कम और अवेयरनेस मेजर्स ज्यादा लग रहे हैं, हेंस जब फादर जेकब से ये पूछा गया कि वो खुद कुछ क्यों नहीं करते रिगार्डिंग द राइज ऑफ नंबर्स ऑफ स्कूल्स यूजिंग कॉन्वेंट नेम्स, तो उनका जवाब था कि देयर इज एक्चुअली वेरी लिटिल वी कैन डू अबाउट इट। शॉकिंग राइट? Well, the answer is कि कॉन्वेंट स्कूल्स के नाम ओवर द सेंचुरीज अलग अलग सेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो ऐसे में हर एक सेंट का ट्रेडमार्क लेना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट नाम को कॉपी करने से भी बड़ी प्रॉब्लम है नाम को मिसयूज करना। फॉर एग्जाम्पल, गुड़गांव का एक सेंट जेवियर स्कूल ये क्लेम करता है कि वो अफिलियेटेड है टू द सेंट जेवियर फाउंडेशन, बट CBSE की डायरेक्टरी के हिसाब से ये स्कूल एक्चुअली दिल्ली का एक ट्रस्ट मैनेज करता है एंड कोई कैथलिक एसोसिएशन नहीं। तो ऐसे में ऑनेस्टली अब गलती किसकी है, कॉन्वेंट स्कूल्स की, फेक मैनेजमेंट की या फिर पेरेंट्स की? एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन जेन्युइनली है? वेल, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है एंड क्या आप भी ये मानते हो कि कॉन्वेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से बेटर होते हैं? मैं पर्सनली कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़ी थी एंड ऑनेस्टली मेरा स्कूल भी काफी अच्छा था, सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वेल, आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। एंड उसके साथ आप ये भी कॉमेंट कर सकते हो कि आप किस स्कूल से पढ़े हो, कॉन्वेंट स्कूल या फिर एक प्राइवेट स्कूल से। अगर आपको ये टॉपिक एजुकेशनल लगा तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फॉर फन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फ्रंट की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।